Now next one, another example. इस केस में लेकिन एरे का टाइप क्या डिफाइन किया है या थ्री डायमेंशनल एरे, लेकिन थ्री डायमेंशन के केस में ओनली रो का साइज मेंशन किया है, कॉलम का साइज मेंशन किया, लेकिन इस केस में मैट्रिक्स साइज मेंशन नहीं किया। तो इस केस में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, थ्री डायमेंशन एरे के केस में टोटल डायमेंशन कितने पास होंगे, थ्री डायमेंशन, क्लियर। इन दैट केस अगर राइट मोस्ट बात करें तो राइट मोस्ट, सबसे जो राइट मोस्ट डायमेंशन होगा इसे रिप्रेजेंट किया है वो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। जस्ट इसके प्रीवियस डायमेंशन ऑफ मिडिल डायमेंशन रिप्रेजेंट किया करें नंबर ऑफ रोज, रो साइज, लेकिन इसका जस्ट प्रीवियस ऑफ फर्स्ट डायमेंशन क्या रेफर करें, इसके नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स और नंबर ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ टेबल्स। इस केस में गिवन ऑर्डर रो और कॉलम वाले ऑर्डर को फॉलो करके टोटल नंबर ऑफ कितने मैट्रिक्स क्रिएट हुए जस्ट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट डायमेंशन, क्लियर। इस केस में जस्ट रो का साइज मेंशन है मीन्स और कॉलम का साइज मेंशन है, मीन्स सभी रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, थ्री कॉलम्स, प्लस किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने, टू रोज। लेकिन इस केस में इस टाइप में कितने मैट्रिक्स क्रिएट हुए, ऐसा कोई आपके पास साइज अवेलेबल है क्या, नहीं। इस केस में जस्ट आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना, रो एंड कॉलम्स, रो एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग जस्ट इसका ऑर्डर क्या है, टू बाई थ्री, टू बाई थ्री मैट्रिक्स में जस्ट एलिमेंट्स कितने क्रिएट हुए, टू बाई थ्री मीन्स टू रोज एंड थ्री कॉलम्स इन ईच रो, तो टोटल टू रो में थ्री कॉलम्स क्रिएट कर दो, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, सिक्स एलिमेंट। तो एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, सिक्स। इस केस में नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने क्रिएट होंगे डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इनिशियलाइज्ड एलिमेंट, अगर आपने रो साइज सॉरी मैट्रिक्स का साइज स्पेसिफाई नहीं किया था, इस केस में साइज किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इनिशियलाइज्ड एलिमेंट। वन थिंग क्लियर है, इस केस में एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, सिक्स एलिमेंट, तो सिक्स से सिक्स के फॉर्म में जस्ट काउंट करेंगे, जीरो टू फाइव दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स जीरो, क्लियर। नेक्स्ट वन सिक्स टू, अगेन आपको काउंट करना है नेक्स्ट सिक्स एलिमेंट्स, सिक्स टू इलेवन, सिक्स टू इलेवन, अगेन दिस इज द एनदर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या हुआ, जस्ट वन। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद अगेन 12 को स्टोर करने के लिए कोई भी अभी करेंट मैट्रिक्स अवेलेबल है क्या, नहीं। देन 12 को स्टोर करने के लिए स्पेशली एक और मैट्रिक्स क्रिएट होगा, देन रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या आसान हो जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज जीरो, ठीक है। मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या, टू। जस्ट इस केस में टोटल मैट्रिक्स कितने क्रिएट होगा, थ्री मैट्रिक्स, तो यहाँ कोई भी साइज मेंशन नहीं, लेकिन लॉजिकली आपको पता होना चाहिए इस केस में इसका ऑर्डर क्या है, एग्जैक्टली थ्री बाई टू बाई थ्री। नेक्स्ट वन, सभी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितने होंगे, टू रोज, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, क्लियर, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, अगेन दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, एंड दिस इज द फर्स्ट रो। देखिए रिमेनिंग एलिमेंट्स नहीं, जस्ट इसके लिए मैं पहले डायग्राम स्पेसिफाई कर रहा हूँ। वन थिंग क्लियर है, टोटल मैट्रिक्स कितने क्रिएट होंगे, थ्री, और इन मैट्रिक्स का जस्ट ऑर्डर क्या है, टू बाई थ्री, तो इसके इसमें जस्ट डायग्राम क्रिएट करोगे, टू बाई थ्री के मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, लेकिन टू बाई थ्री के मैट्रिक्स कितने क्रिएट होंगे, जस्ट थ्री मैट्रिक्स। डायग्राम्स के केस में जस्ट सबसे पहले इस केस में कॉन्सेंट्रेट करूंगा फर्स्ट डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन क्या, थ्री, डायमेंशन थ्री के अकॉर्डिंग जस्ट थ्री मैट्रिक्स के लिए सेपरेटली स्पेस क्रिएट कराएंगे, इसको डिवाइड किस फॉर्म में किया, इन द फॉर्म ऑफ थ्री मैट्रिक्सेस। नेक्स्ट वन, अब फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टू रोज, दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, इस केस में नंबर ऑफ रो कितने होंगे, एग्जैक्टली टू रोज, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, एग्जैक्टली थ्री कॉलम्स इन ईच रो, क्लियर। नेक्स्ट वन, अगेन सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर फिर से क्रिएट क्या हुआ, टू रो एंड थ्री कॉलम्स, अगेन सिमिलरली थर्ड मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स के अंदर जस्ट क्रिएट क्या होंगे, टू रोज थ्री कॉलम्स। या एड्रेसिंग इंपॉर्टेंट केस नहीं है, क्योंकि उस केस में ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसलिए अगर आप एड्रेस नहीं भी प्रोवाइड करो तो जरूरत नहीं, क्लियर। नेक्स्ट वन, फर्स्ट केस में अगर बात करें तो फर्स्ट टोटल मैट्रिक्स कितने, थ्री मैट्रिक्स, तो इस केस में फर्स्ट मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या हुआ, जीरो, नेक्स्ट का क्या हुआ, वन एंड टू, एरे का नेम क्या, करेंटली ए, इस मैट्रिक्स को, फर्स्ट मैट्रिक्स को आप नेम दे सकते हैं ए जीरो, सिमिलरली ए ऑफ वन, सिमिलरली ए ऑफ टू। नेक्स्ट थिंग्स, दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट जीरो थ्रो वन, जीरो कॉलम, वन कॉलम एंड टू, अगेन जीरो वन एंड जीरो वन टू, अगेन जीरो वन जीरो वन टू, क्लियर।
इस फाइनली से मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 18 एलिमेंट्स। अगर आप ए का साइड डिस्प्ले कर रहा हो तो टोटल एलिमेंट्स कितने 18 और एलिमेंट का टाइप क्या है इंटीजर। अकॉर्डिंग टू 16 बिट सी कंपाइलर व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर इट विल टेक 2 बाइट्स। तो टोटल साइज क्या होगा 18 मल्टीप्लाई 2 इज 36। फर्स्ट केस में एलिमेंट असाइन हुआ 0 1 2 3 4 5, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड मैट्रिक्स में क्या असाइन हुआ 6 2 11, 6 7 8 9 10 11, देन 12 12 का रिमेनिंग कोई एलिमेंट नहीं, लेकिन इस केस में सभी मैट्रिक्स का साइज और ऑर्डर कैसा हुआ एग्जैक्टली सेम। मीन्स एटलीस्ट सिंगल एलिमेंट को भी स्टोर कराने के लिए सेपरेट मैट्रिक्स क्रिएट हुआ, लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स में कैसा हो जाएगा जस्ट डिफॉल्ट वैल्यू एच जीरो। इस केस में वन मोर थिंग डिस्प्ले करा लेते हैं, एज अ साइज ऑफ दिस एरे परसेंट डी। फर्स्ट केस में क्या डिस्प्ले करा वैल्यू ऑफ डी, सेकेंड केस में जस्ट प्रिंट कराना चाहता हूँ साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे ए, क्लियर इन दैट केस। नेक्स्ट वन, इसके अलावा अदर वेरिएबल्स क्या क्रिएट हुए, वेरिएबल आई एंड वेरिएबल डी, क्लियर आई एंड डी। आई के केस में इनिशियल वैल्यू क्या -1, तो इस केस में जस्ट आपको कॉन्सल्टेट करना है गिवन एक्सप्रेशन। इस केस में एलिमेंट को 3 डायमेंशंस के थ्रू एक्सेस किया, क्लियर। फर्स्ट केस में इस जब भी किसी एलिमेंट को एक्सेस करो तो एलिमेंट को एक्सेस करने की केस में सबसे पहले स्पेसिफाई क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स, इंडेक्स ऑफ रो एंड इंडेक्स ऑफ कॉलम्स, विच रो विच मैट्रिक्स विच कॉलम, लाइक दैट। फर्स्ट केस, इस केस में परफॉर्म क्या हो रहा है, टोटल एक्सप्रेशन का टाइप क्या असाइनमेंट प्लस परफॉर्म क्या हो रहा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के टाइम पर मैंने जस्ट आपको डिस्कस किया था, जनरली देखा जाए तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का बिहेवियर कैसा है, कंपाइलर डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, क्लियर। स्पेशली यहाँ रखना, हो सकता है आपके सिस्टम में मेरा आउटपुट आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग मैच ना करे, अगर आप सेम कंपाइलर यूज करो। इसके जस्ट मैं यूज क्या कर रहा हूँ, मैं आउटपुट डिस्कस कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू टर्बो सी कंपाइलर, TCC कंपाइलर, और TCC केस में कंपाइलर का टाइप क्या 16 बिट। अगर आप सेम कंपाइलर यूज करते हैं इस केस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लॉजिक भी किसके अकॉर्डिंग डिस्कस करूँ, जस्ट अकॉर्डिंग टू TCC कंपाइलर। इस केस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ड्यूरिंग ऑपरेटर सेशन, ऑपरेटर सेशन केस में जस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट केस में 2 पॉसिबल केस होंगे, आइदर इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट। तो इस केस में चेक कर लिए ऑपरेटर इस केस में वर्क कैसे करा है, एज अ इनिशियलाइजेशन और एज अ असाइनमेंट। अगर किसी वेरिएबल में डिक्लेरेशन टाइम पर वैल्यू असाइन कर देते हैं इस ऑपरेशन को नेम देते हैं या इनिशियलाइज, लेकिन करंटली ऑपरेशन कैसा असाइनमेंट। तो असाइनमेंट के केस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बिहेवियर क्या रहता है, परफॉर्म ऑल प्री ऑपरेशंस देन असाइनमेंट देन परफॉर्म ऑल पोस्ट ऑपरेशन। तो इससे जस्ट सिक्वेंस को फॉलो करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्लियर। तो सबसे पहले आपको परफॉर्म क्या करना, परफॉर्म ऑल प्री ऑपरेशन। तो इस केस में काउंट कर लो प्री ऑपरेशन कितने, दैट वन दैट वन। फर्स्ट केस कैसा, प्री और पोस्ट, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो पोस्ट इंक्रीमेंट जस्ट असाइनमेंट के बाद में परफॉर्म होगा, परफॉर्म क्या करा हुए प्री, प्री के अकॉर्डिंग टोटल प्री कितने हैं 2 और इनिशियल वैल्यू क्या है इसका -1। -1 में अगर 2 टाइम इंक्रीमेंट कराओ तो -1 + 2 क्या आएगा, जस्ट रिजल्ट है +1। तो फाइनली आई का वैल्यू क्या है 1। देन आई का वैल्यू 1 होने के जस्ट बाद मीन्स प्री ऑपरेशन दोनों ही परफॉर्म हो चुके हैं, प्री ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद देन क्या होगा, पहले असाइनमेंट और पहले पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले असाइनमेंट, असाइनमेंट कराओ तो जहाँ जहाँ ++ आई है, i++ है, आई के ऑकरेंस रिप्लेस किससे कराओगे, आई के करंट वैल्यू 1 से। तो आई के सारे ऑकरेंस इसके प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे 1, फर्स्ट प्लेस पर क्या जाएगा जस्ट 1, सेकेंड डायमेंशन के प्लेस पर भी आई का वैल्यू क्या जाएगा 1, थर्ड डायमेंशन के केस में आई के प्लेस पर रिप्लेस किया जाएगा ऑल्सो 1। तो इस केस में फर्स्ट डायमेंशन मीन्स मैट्रिक्स डायमेंशन, फर्स्ट केस में क्या 1 1 1 पास कर रहा है इसके अंदर ए ऑफ 1 1 1। तो सबसे पहले आप चेक करोगे एलिमेंट किस मैट्रिक्स से रीड कराना है, फर्स्ट मैट्रिक्स मीन्स दैट वन, क्लियर। इस मैट्रिक्स के केस में किस रो से एलिमेंट एक्सेस होगा, फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट रो कौन सा है दैट वन। फर्स्ट रो के किस कॉलम से डेटा रीड करना, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में डेटा कॉम्बिनेशन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा है दैट एंड दैट मीन्स विच इज 10। फाइनली इस केस में ए ऑफ 1 1 से रेफर क्या होगा वैल्यू एज 10। नाउ 10 इज असाइन टू द वेरिएबल डी, तो डी के केस में असाइन क्या हो चुका 10, मीन्स प्री ऑल प्री ऑपरेशन भी हो चुका है, असाइनमेंट भी हो चुका है, डी में असाइनमेंट क्या होगा 10। इसके बाद परफॉर्म क्या होगा ऑल पोस्ट, पोस्ट कितने ओनली 1 टाइम, किस वैल्यू में आई में, तो आई में 1 मोर टाइम पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ, करेंटली वैल्यू क्या था आई का 1 1 + 1 becomes 2, तो आई का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा 2। लेकिन आउटपुट के अकॉर्डिंग बात करें, आउटपुट में डिस्प्ले क्या कर रहा है वैल्यू ऑफ डी, डी का करंट वैल्यू क्या जस्ट 10, साइज ऑफ ए, इस एरे का साइज क्या है, एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 18 एलिमेंट्स और एक सिंगल एलिमेंट का साइज क्या है 2 है, तो टोटल साइज क्या होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 36।
क्लियर, दिस इज द आउटपुट ऑफ गिवन कीज। अगर आप आई का वैल्यू डिस्प्ले कराओगे प्रिंट एप के थ्रू तो आई का वैल्यू भी क्या प्रिंट होगा, ऑल्सो 2।